देवरिया की कोतवाली पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 5 जुलाई को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कोऑपरेटिव चौराहे पर 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से 10,000 रुपये नकद, 1 देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। असलहों के बल पर बदमाशों द्वारा त्रिपाठी फॉरेक्स मार्ट, जो फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, उनके यहाँ लूट की वारदात कारित की गई। सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची।